नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को होना प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक बीएड को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल करने के लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में अहम बदलाव करने होंगे शासन को, जिसके लिए अभी तक शासन की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला देखेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर शिक्षक की भर्ती होती है तो वह अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत ही हो सकती है। दोस्तों, अब ये नियमावली क्या है, तो ये एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है जिसमें पूरी बातें लिखी गई हैं, एक तरह से नोटिफिकेशन आप समझ लीजिए शासन की तरफ से, कि जो भी शिक्षक की भर्ती होंगी उसमें नियम कानून क्या होंगे और न्यूनतम अर्हता क्या होगी, इसके संदर्भ में उसमें डिटेल में जानकारी दी गई है। दोस्तों, अभी पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से ठीक पहले इसमें 22वां संशोधन किया गया था, और अगर बीएड को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में पूरी तरीके से शामिल करना है तो इसमें फिर से बदलाव करना होगा। दोस्तों, क्योंकि इस नियमावली में अभी तक बीएड को प्राथमिक में जगह नहीं दिए जाने के संदर्भ में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। दोस्तों, इसमें संशोधन के लिए शासन के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से इसमें बदलाव के लिए मंजूरी नहीं दी गई है। और दूसरा एक और मुद्दा कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में विभिन्न जनपदों में कितनी सीटें रिक्त हैं उसके लिए भी अभी रिक्तवार ब्यौरा नहीं दिया गया है। दोस्तों, इसी के संदर्भ में आप पेपर में एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अगर इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करते हुए पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।